You're a superhero. गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप इस प्रकार के न्यू फास्ट फोटो चेंजिंग स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो अगर आपको भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको काइन मास्टर में आना है एंड आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। सो गाइस अगर आपको काइन मास्टर डाउनलोड करना है तो सिंपली आप मेरे मटेरियल्स वाले लिंक पे क्लिक करके जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस फिर आपको यहाँ पे काइन मास्टर में आना है एंड आपको इम्पोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इम्पोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो करना क्या है, यहाँ पे आप डाउनलोड फाइल में चले जाना। देखो गाइस अगर आपको प्रोजेक्ट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको कितनी वीडियो में बताया है कि आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर से डाउनलोड करना है तो वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके काइन मास्टर में इंपोर्ट प्रोजेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप अपने काइन मास्टर को अपडेट कर लो। सो गाइस आप डाउनलोड में चले जाना, डाउनलोड में इस प्रकार से मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं डाउनलोड में आ चुका हूँ, तो इस प्रकार से जो भी डाउनलोड आप करोगे वो आपको रिसेंट में यहाँ पे दिखाई देगा। ओके तो उसको आप इंपोर्ट कर लेना। लेकिन गाइस मेरा यहाँ पे फोल्डर में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मेरा फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है, तो आपको इस प्रकार से इंपोर्ट कर लेना है। अब इसको इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको घींच के इसको बड़ा करना है। ओके इसको बड़ा करना है पहले घींच के, एंड बड़ा करने के बाद आपको देखो करना क्या है, शुरू से लेकर यहाँ तक जो है हमारा 11 सेकंड तक जो भी इमेज है नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा लेयर्स जो मैंने ऐड किया है, इन सभी इमेज को अपने इमेज के साथ रिप्लेस करना है। ओके रिप्लेस करने के लिए आपको इमेज पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो भी आपका फोटो है सिंपली उस फोटो के साथ आपको अपनी इमेज को रिप्लेस करना है। तो जो भी आपका फोटो है सिंपली आप उस फोटो पर टैप करेंगे तो आपका जो फोटो है इसके साथ रिप्लेक्स हो जाएगा, बाकी इसमें जो भी सेग इफेक्ट सब है वो रह जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो गाइस फिर इसी प्रकार से आपको अगला फोटो में भी करना है एंड वहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करना है एंड आपको वहीं पे क्लिक करना है, और गाइस जो भी आपका फोटो है उसके साथ अपनी फोटो को यहाँ पे रिप्लेस करना है। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे रिप्लेस करके दिखाता हूँ। सो गाइस इसी प्रकार से आपको 11 सेकंड तक जितना भी फोटो है आपको सही फोटो को यहाँ पे रिप्लेस कर लेना है। सो गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ जो रिप्लेस करने का काम है उससे कहीं आसान है खुद बनाने से, मतलब अगर आप खुद बनाओगे ऐसे जो मैं आपको बताऊँगा बनाने के लिए आप बनाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा, इसलिए मैं आपको प्रोजेक्ट दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और गाइस इसमें बहुत ही फास्ट फोटो चेंज हो रहा है, इसमें तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाता है, इसलिए मैंने खुद से बना के दे दिया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इतना तो कर ही सकते हो, यहाँ पर अपनी इमेज को रिप्लेक्स कर लेना है इस प्रकार से। सो 11 सेकंड तक आपको यहाँ पर अपनी इमेज का मतलब अपनी इमेज के साथ इसको रिप्लेस कर देना है, तो इधर आप 11 सेकंड तक कर देना है। इधर 11 सेकंड के बाद जैसे आप इधर आओगे इधर आपको बैकग्राउंड दिखाई देगा, तो आपको इधर 11 सेकंड के बाद इधर जितना भी बैकग्राउंड है इन बैकग्राउंड को भी अपनी इमेज के साथ रिप्लेस करना है, क्योंकि आपको पता है ये जो वीडियो है वो फास्ट फोटो चेंजिंग वीडियो है तो यहाँ पर बहुत सारा फोटो तो हमारा लगेगा ही। ओके सो यहाँ पे आपको इस प्रकार से रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए फिर से आपको यहीं पर क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका फोटो है सिंपली आप उस फोटो को इस प्रकार से रिप्लेक्स कर सकते हो, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी रिप्लेक्स करते जाना है। सो गाइस मैं आपको बता दूँ आप अपनी जो फोटो को एक फोल्डर में रख लेना, जो भी फोटो को एडिट करना चाहते हो इस प्रकार से आप बिल्कुल भी स्पीड में कर पाओगे जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सो गाइस इस प्रकार से यहाँ पे आपको सभी इमेज को रिप्लेक्स कर देना है। ओके सो जितना भी आपका फोटो है इस प्रकार से आप रिप्लेक्स कर लेना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना तो उतना अच्छा रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप रिप्लेक्स कर सकते हो, तो यहाँ पे लास्ट तक जितना भी बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है इन सभी बैकग्राउंड को अपनी इमेज के साथ रिप्लेक्स कर देना है। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा है बट आपको रिप्लेक्स तो करना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी वीडियो को बनाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आप यहाँ पर रिप्लेक्स कर लेना। ओके सो गाइस मैं इन सभी इमेज को रिप्लेक्स तो नहीं कर रहा हूँ बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप इतना रिप्लेक्स कर लेना। अब गाइस जैसे आप रिप्लेक्स कर लोगे आप कर लेना, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ मतलब करके नहीं दिखा रहा हूँ बट आप कर लेना सभी इमेज को रिप्लेक्स, फिर आपको अगला प्रोसेस ये करना है। गाइस 11 सेकंड के बाद इधर जो भी इमेज है लास्ट तक सभी इमेज में आपको एक ही क्लिप ग्राफिक्स को एड करना है जिसका नाम है हेलोवीन पार्टी, जिससे आपको 10 नंबर वाला एड करना है।
सो हेलोवीन पार्टी से आपको 10 नंबर वाला क्लिप गापिस को सिलेक्ट करना है सभी इमेज में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो गाइस इस प्रकार से जितना भी इमेज है आपको सभी इमेज में हेलोवीन पार्टी से 10 नंबर वाला ही ऐड करना है, उस मतलब और कोई भी क्लिप गापिस को ऐड नहीं करना है। लास्ट तक जितना भी फोटो है आपको सभी फोटो में यहाँ पे इस प्रकार से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर ध्यान रखना क्लिप गापिस का लेंथ आपको इस प्रकार से बढ़ा देना है, इसका लेंथ कम रहेगा उस प्रकार से मैं बढ़ा देना आपको। ओके, क्लिप गापिस ऐड करने के साथ आप देख लेना जो जो मतलब येलो येलो है ये पूरा एंड तक है या नहीं है, अगर नहीं है तो इसको मतलब घींच के एंड तक कर देना इस प्रकार से। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन सभी इमेज में आपको सिलेक्ट कर लेना है इस क्लिप गापिस को। उसके बाद आपको शुरू में आ जाना है, डन आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और आपको सिंपली इस वाले टेम्पलेट वीडियो को इसमें ऐड कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड करके ऐड कर लेना। सो गाइस मैं इस टेम्पलेट वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इस टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लिया है। अब इसको ऐड करना है एंड इसका साइज प्रकार से बढ़ा के इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है। सो गाइस इस प्रकार से स्क्रीन कर देना है, सब स्क्रीन कर दोगे इस प्रकार से आपकी वीडियो बन जाएगी। इधर आप सभी इमेज को रिप्लेस कर देना है, इधर तो मैंने सब कुछ लगा दिया, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। बाकी इधर आपको जो है एक क्लिप गापिस को ऐड करना है जिसका नाम है हेलोवीन पार्टी। तो यहाँ पे आप लोग देखते इस प्रकार से आप सभी इमेज में इस प्रकार से लगा लेना एंड इधर सभी इमेज को ऐड कर लेना। इतना करने के बाद फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है एंड अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस जैसा कि आपने देखा प्रोजेक्ट की मदद से आप कितना आसानी से इस प्रकार की वीडियो को बना पाओगे। वहीं अगर पहले वाला ऑप्शन मतलब पहले वाला एडिटिंग करता ट्रिमिंग जो होता था बहुत सारे उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप अगर अभी तक आपने काइन मास्टर को अपडेट नहीं किया तो कर लो यार, जाके डाउनलोड कर लो मटेरियल्स वाले लिंक पे क्लिक करके। ओके सो गाइस बस आज के लिए इतना है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।